today my mother is going to tell you how can we make matar pulao. Guys, whoever had eaten this had told us that it is mouth-watering, tasty and appetizing. And it is. So, let's know the steps by my best chef in my views, my mother. Hello friends, आज आपके साथ मैं मटर पुलाव की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ. बहुत आसान है और बहुत मजेदार ये रेसिपी है. इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आपको जरूर पसंद आएगी. तो चलिए अब शुरू करते हैं मटर पुलाव बनाना. इन मटर पुलाव बनाने के लिए जिन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ती है मैं आपको दिखाती चलती हूँ. यहाँ पर सबसे पहले मैंने चावल लिए हैं जो कि 3 कप हैं, और यहीं पर एक कटोरी भर करके मैंने मटर लिए जो कि फ्रोजन में इस्तेमाल कर रही हूँ. और गरम मसाले में मैंने लिया है 2 बड़ी इलायची, 1 टीस्पून जीरा, और यहीं पर 7-8 लौंग और 10-12 काली मिर्च, 1 बादियान का फूल लिया है मैंने, और दालचीनी के टुकड़े. तो ये गरम मसाला हमने लिया है, और 1 तेज पत्ता मैं इसमें डालने वाली हूँ. यहीं पर 1 टीस्पून भर करके मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है, और एक छोटा सा प्याज ऐसे लंबाई में काट लें बारीक बारीक, और करीब 1 कप मैं यहाँ पर ऑयल का इस्तेमाल करने वाली हूँ. तो चलिए अब बना लेते हैं मटर पुलाव. तो यहाँ पर मैंने ऑयल गर्म होने रख दिया था, मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, और इसमें अब हम ऐड कर देते हैं प्याज जो हमने काट कर रखी है, और इसको सुनहरा कर लेते हैं. मैंने नमक नहीं दिखाया है, नमक भी मैं आपको डालते वक्त बताऊंगी कि मैं इसमें कितना इस्तेमाल कर रही हूँ. प्याजों को फ्राई करके हमने निकाल लेना है. जब ये सुनहरी हो जाएंगी तो इन्हें हम ऑयल से निकाल देंगे. तो यहाँ पर काफी हद तक प्याज गुलाबी हो चुकी हैं, सुनहरेपन पर आ गई हैं. मैं इन्हें निकाल लेती हूँ और आगे की रेसिपी बताती हूँ कि आगे की क्या करें. प्याज हमने निकाल ली है, और अब हम इस ऑयल में ये सारा गरम मसाला डाल देंगे. आप चाहें तो थोड़ा दरदरा कर दें, और यहीं पर मैं इसमें 1 से 2 सेकंड की हमने पकाना है. क्योंकि ऑयल बहुत तेज गर्म है, इससे का क्यों लगता है गरम मसाला चटक सकता है और लग सकता है आप लोगों को. तो ये नमक 2 टीस्पून में डाल रही हूँ, और फौरन ही अब हम इसमें मटर ऐड कर देंगे, और इसको भी करीब 2-3 मिनट भून लेंगे. और अब ये जो चावल हमने धोकर भिगोए हुए हैं, करीब आधा घंटा मैंने इन्हें भिगोए थे, अब हम ये चावल भी ऐड कर देंगे प्रेशर कुकर में. तो यहाँ पर मटर भी गल चुकी है काफी हद तक, और अब हम इसमें चावल ऐड कर देते हैं. पानी में निकाल देती हूँ इन्हें चावल. यहाँ चावल मैं ऐड कर चुकी हूँ, और यहाँ पर 1 ग्लास पानी हम ऐड करेंगे. पानी का मैंने हिसाब पहले भी बताया हुआ है कि चावलों से करीब 4 उंगल ऊंचा होना चाहिए पानी. इसमें मैं 1/2 ग्लास पानी और डालूंगी, और ये हम पानी डाल चुके हैं इसमें, और अब मैं इसमें प्रेशर ढक्कन लगा लेती हूँ, और 2 सीटी तक इसे पकाऊंगी. 2 सीटी लगने पर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे तैयार हुआ है. इसमें 2 से 3 हरी मिर्च मैं डाल रही हूँ, आप चाहें तो डालें और चाहें ना डालें, आप पर डिपेंड करता है. तो ये देखिए मैंने 2-2 टुकड़ों में तोड़ दी है, और इसमें पानी में भी उबाल आने लगा है. अब मैं इसमें ढक्कन लगा देती हूँ और 2 सीटी तक पकाऊंगी, उसके बाद दिखाते हैं कि मटर पुलाव कैसे तैयार है. ऊपर प्रेशर कुकर है, 2 सीटियाँ लगा चुकी हूँ, और अब प्रेशर निकलने के बाद मैं इसे सर्व करूंगी और आपको दिखाती हूँ. तो ये देखिए एकदम खिले खिले से मटर पुलाव बन गए हैं. अब मैं इसे सर्व कर देती हूँ. तो ये देखिए मटर पुलाव हमारी बिल्कुल बढ़िया से गरम गरम तैयार हो गई है, और इसको हम गार्निश करेंगे जो हमने प्याज फ्राई किए थे इसे, और गर्मा गर्म आप इसे सर्व करें रायते के साथ, चटनी लहसुन की चटनी और सलाद वगैरह के साथ आप सर्व करें. बहुत मज़ेदार बनती है, और सादा सी है, आमतौर पे घरों पर बनाई जाती है. तो ज़रूर बनाएं, और मुझे भी बताएं आपकी ये रेसिपी कैसी तैयार हुई है. इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी.
अगर आपको मेरे रेसिपीज पसंद आती हैं तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दें, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। उससे ये होगा कि आपको आने वाली वीडियोस आराम से मिल सकेंगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।